अस्सलाम वालेकुम, एफ ए ऑल इन वन में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं आपको मटन 65 बनाना सिखा रही हूँ। ये बकरीद के मौके पर आपको स्पेशल डिश मटन 65 बनाना सिखा रही हूँ। तो जैसे हम चिकन 65 बनाते हैं, हाथों हाथ मसाले मिलाकर तल लेते हैं। ये थोड़ा सा हटके है। इसको करना यह है कि पहले को हमें गोश्त को थोड़ा सा गला लेना है, पानी को पूरी तरह से खुश्क कर लेना है और उसके बाद ही मसाले लगाकर हमें डीप फ्राई करना है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इसके लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी ये मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो सबसे पहले हम गोश्त गलने के लिए रख देंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg मटन। ये आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं और बगैर हड्डी वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बगैर हड्डी वाला ली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले अब मैंने यहाँ पे वॉश कर ली हूँ और इस मटन को कुकर में आप डाल दीजिए और उसमें ऐड कीजिए 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 tablespoon नमक, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर और 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर। तो अच्छे से मिक्स कीजिए। अच्छे से मैंने मिक्स कर ली हूँ यहाँ पे। अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा अ लिटिल वाटर भी आप डाल के ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमें गोश्त के पानी को अच्छे से खुश्क करना है। तो मैंने जस्ट 1/2 cup से भी कम, 1/4 cup मैंने वाटर यूज़ की हूँ इसमें मिक्स करने के लिए। चलिए अभी इसको ढक कर 3 whistles आने तक मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। आप ध्यान रखिएगा हमारे गोश्त को ज़्यादा नहीं गलना चाहिए। अगर आप हड्डी वाला गोश्त ले रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि गोश्त हड्डी से नहीं निकलना चाहिए। इस तरह से मीडियम फ्लेम पे बस थोड़ा सा ही हमें गोश्त को गलाना है क्योंकि ये मटन है। इसलिए अगर आप चिकन लेंगे तो आप हाथों हाथ ही मसाले पूरे मिक्स करके आप बना सकते हैं, लेकिन ये मटन है, इसका स्वाद थोड़ा सा गोश्त गलाने के बाद लगाने पर इतना बेहतरीन आएगा। चलिए देखते हैं लास्ट तक। चलिए अभी 3 whistles होने तक वेट कर लेते हैं। 3 whistles हो गए हैं, अभी इसे ओपन करके देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारा मटन अच्छे से गल चुका है। उतना भी नहीं गलाना है जितना यहाँ पे मैं बता रही हूँ। यहाँ पे बस थोड़ा ही मटन गला हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी और है। आप बगैर ढक्कन लगाए इसको, इस पानी को पूरी तरीके से खुश्क कर देना है। चलिए अगेन गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और अच्छे से पानी को अच्छी तरीके से सुखा लीजिए। हमारा पानी पूरी तरीके से खुश्क हो चुका है, अभी इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो रहा है जब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। चलिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। तो इसका मटन 65 का ग्रेवी तैयार करने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले 100 grams कर्ड जो मैंने अच्छे से फेंट कर रख लिया है, और यहाँ पे 3 tablespoons मैदा ली हूँ यहाँ पे। अगर आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। और 3 tablespoons बेसन, 2 tablespoons कस्तूरी मेथी जो मैंने यहाँ पे क्रश नहीं किया है, जस्ट ऐसे ही रख दिया है, और यहाँ पे चाट मसाला है 1/2 teaspoon चाट मसाला, और ये रहा आपको मैं ये बताती चलूँ, ये आके पपाया पाउडर है। अगर आपके पास मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मटर थोड़ा सा हमारा टेंडर होता है, इसको गलाने के लिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है और ग्रेवी को, मटन को अटैच करने के लिए, उसको लगाने के लिए काफ़ी अच्छा, बाइंड करने के लिए काफ़ी अच्छा यूज़फुल रहेगा। अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, नॉट टू वरी। और यहाँ मैं ली हूँ 1/2 teaspoon गरम मसाला और 1 teaspoon रेड चिली पाउडर। इसकी जगह अगर आप और भी स्पाइसी खा रहे हैं तो आप 1.5 teaspoon भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं यूज़ करी हूँ रोस्टेड जीरा पाउडर। तो चलिए, और यहाँ नमक 1/2 teaspoon पहले से ही हमने मटन में ऐड कर ली थी, मटन में
नमक को ये आके ग्रेवी तैयार करने के लिए बस थोड़ा सा नमक की जरूरत पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ले लीजिए दही को और उसमें ऐड कीजिए कसूरी मेथी, चाट पाउडर, पपाया पाउडर, थोड़ा सा नमक, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, बेसन और मैदा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर मिक्स करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जस्ट ऐड कीजिए 1/4 कप ऑफ वाटर, ज्यादा लिक्विड नहीं करना है। मैं आपको बताना भूल गई, आप इसमें अगर चाहे तो थोड़ा सा कलर भी यूज कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। मैंने अच्छे से मिला दिया है पेस्ट को, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहनी चाहिए। चलिए अब जो ठंडा किया हुआ मटन इसमें डाल के हम ऐड कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसको बाइट कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से कोट हो चुका है हमारा मटन। अगर आप एक पीस लेकर देखेंगे तो अच्छे से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मसाला अच्छे तरह से इसको लगा दिया है। चलिए अब ऑयल की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा ऑयल एकदम से हीट हो चुका है। सबसे पहले आप जस्ट 1 पीस ऐड करके देखिए कि ऑयल कितने हद तक हीट हुआ है। आप देख सकते हैं ऑयल एकदम से हीट बनकर तैयार हो गया है। तो आप 1-1 पीस करते हुए इसमें आप ऐड कर दीजिए, धीरे धीरे हिलाइए, इसको ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमने ऑलरेडी गोश्त को गला कर ही यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए हमारा अभी परफेक्टली कुक हो गया है मटन, इसको ज्यादा नहीं पकाना है, ज्यादा नहीं फ्राई करना है। अभी इसको निकाल लेते हैं। आप इसको टिश्यू पेपर पर डालिए ताकि ऑयल अच्छे से इसका निकल सके। वहाँ माशाल्लाह बनकर तैयार हो गया है हमारा मटन 65 एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। ये इतना कम समय में मैं बनाकर आपके सामने लाई हूँ। अगर आप भी घर पर बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट से रेडी हो जाएगा। जैसे जैसे मैंने इंग्रेडिएंट्स बताया था ठीक उसी तरह से आप भी डालकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये दाल और चावल के कॉम्बिनेशन में काफ़ी बेहतरीन रहेगा। अगर आप रोटी के साथ खाएंगे तो भी ब्यूटीफुल लगेगा, टेस्टी यम्मी रहेगा। अगर आप खाली खाएंगे तो छोड़ेंगे ही बिल्कुल भी नहीं। चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं कि कैसा बना है। अगर आप चाहे तो इस पर थोड़ा सा घी भी आप ऐड करके खा सकते हैं। अगर घी इसका कॉम्बिनेशन रहेगा तो बहुत ही यमी टेस्टी लगेगा ये तो। ये देखिए अब मैं आपको तोड़कर भी बताती हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए बाहर से क्रंची, अंदर से क्रिस्पी और एकदम से सुपर टेस्ट रहेगा ये। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मैं आपको तोड़कर भी बताती हूँ, अंदर भी गोश्त अच्छे से गल चुका है ये देखिए, और खाने में भी इतना लाजवाब टेस्टी रहेगा। आप इसको बार बार बनाकर ज़रूर खाएंगे। तो मेरी इस ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा और मेरे वीडियो को आपके फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद लगे तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।